नमस्कार, इस समय हम रियासी बारादरी सड़क पर मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। करीब पौने घंटे से लोगों ने सड़क को जाम रखा है और सड़क पर इस समय आप देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सड़क को जाम कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क के बीचों बीच ये महिलाएं बच्चे बैठे हुए हैं और मुद्दा क्या है वो आपको बता दें कि राशन की मांग ये तमाम प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये घंटों तक इन्हें इंतजार करवाया जाता है राशन डिपो में, सीला में, सीला पंचायत का ये मामला है और उसके बाद भी इन्हें राशन नहीं दिया जाता है और कहा यह जाता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, मशीन काम नहीं कर रही है, जिस कारण इन लोगों को इंतजार करवाया जाता है, बार बार इन्हें राशन लेने के लिए डिपो में आना पड़ता है, उसके बाद भी इन्हें राशन नहीं मिलता है। आखिरकार गुस्साए लोगों ने आज प्रदर्शन किया है और रोड को जाम कर दिया है। सब गया लो ये मसले बैठे नहीं ना पता है ज्यादा गल नहीं ना बताओ नहीं नहीं मेरी गल नहीं बताओ मेरी गल सुनो ए भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ए मेरी गल सुनो गल हुई है प्रोसेस होया है कि ऊपर ऑर्डर होया उन्हें करेगा कोई ऐसे लेकिन एक तरीके करने करेगा सर एक गल है और मिला से ये प्रॉब्लम नहीं है हां अगर कोई प्रॉब्लम मेरे को लाइए ठीक ठीक आई विल मैन हां ये और मिला से प्रॉब्लम लोग यार तुम्हारी गल ऊपर जाएगा कोई ऐसी गल सर परसों यहां से इतने बैठे लोगों ने आज परेशान कर रहे हैं चलो करो इशू और महीने का सर करेंगे इस महीने SHO रियासी भी मौके पर पहुंचे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और आश्वासन ये दिया गया है कि इस बार उन्हें इन तमाम लोगों को राशन दिया जाएगा और अगली बार थंब लगाकर मशीन पर वो उस राशन को कटवा सकते हैं। ये उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसके बाद आश्वासन इन्हें मिला है। सरपंच जो है वो सिला पंचायत के रवि जी वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रवि जी, क्या पूरा मामला है, क्यों प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं और अब क्या आश्वासन मिला जिसके बाद लोग सड़क से अब जी जे हमारा काफ़ी हर महीने यही प्रॉब्लम होती है हमें कि जे जो राशन है इनकी जे मशीनें जो चल नहीं पाती हैं, बोलते हैं नेट की प्रॉब्लम है। हम एडी सर को फ़ोन करते हैं, टीएसओ सर को फ़ोन करते हैं कि इन लोगों को लोग पिछले चार चार दिन से इधर बैठे हुए हैं लेकिन ये राशन लोगों को मिल नहीं पाता। तो लेकिन आज लोगों ने सब लोगों इकट्ठे होकर लोगों ने ये रास्ता बंद किया हुआ था नेशनल हाईवे, लेकिन अभी SHO साहब आए हैं, उन्होंने एडी सर से बात की है, उन्होंने बोला आज आप बाई हैंड से लिख के दे दो तो उसका बायोमेट्रिक बाद में करवा लेंगे। तो हमने SHO साहब को बोला अगर दोबारा हमें ये प्रॉब्लम आई तो हम नेक्स्ट आगे दोबारा मतलब चक्का जाम बंद कर। पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है क्या, वहाँ पे एक्सप्रेशन मैच नहीं करता या फिर इंटरनेट प्रॉब्लम रहती है, किस तरह की प्रॉब्लम रहती है? और अगर अभी राशन दिया गया तो ये चीज़ पहले भी क्या हो सकती थी, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये नहीं होती? ये तो डीलर ने देखना है, ये जिसका काम है सर। हमने तो TSO जो AD जो इनके हाथ में काम है जिन्होंने राशन देना है, जो इन लोगों ने देखना है कि हमने कैसे चलाना है। अगर डीलर ने कोई डीलर मतलब अपने पास लिया हुआ उसको पता मेरी मशीन खराब है, उसने किसी को दिखानी है? ये आम जनता क्यों सफर करेगी, क्योंकि आम जनता आज पिछले 10 दिन से बैठी हुई है। हमें पंचों को बोलते हैं, सरपंचों को बोलते हैं, BDC को बोलते हैं, भैया आप मौके पर आओ। हम आते हैं जब AD सर को फोन करते हैं, वो बोलते हैं बायोमेट्रिक के बिना हम दे नहीं पाते। जी जी, चलिए फिर से आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, एक राहगीर जो है उनसे भी बातचीत करते हैं, ये कांग्रेस के नेता भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बिशन जी, कब से आप जाम में फंसे हुए हैं, कब से ये प्रदर्शन कर रहे हैं? एक डेढ़ घंटे से जाम में फंसे थे, अभी पुलिस वाले ने रास्ता खोला है तो अभी जा रहे हैं, एक डेढ़ घंटे से जाम फंसे थे। आप विपक्ष के नेता भी हैं, क्या प्रदर्शन में भी शामिल हुए या नहीं? प्रदर्शन हम रास्ते में वेट कर रहे थे, हमें मुद्दे का पता नहीं था, ये क्या मुद्दा इनका है क्या नहीं है, हम कहीं गए थे और रास्ता बंद था। तो उठाएंगे आगे मुद्दा ये? हाँ आगे उठाएंगे इनका मुद्दा। जी चलिए चलिए, तो बिशन मगोत्रा जी कांग्रेस के नेता हैं, ये भी प्रदर्शन में जो है वो फंसे हुए हैं। फिलहाल रास्ता जो है वो खुल चुका है और जो लंबा जाम था वाहनों का, कतार थी वाहनों की, वो अब
जाम जो है वो खुल चुका है और वाहन लगातार अब निकलना शुरू हो गए हैं और पुलिस के जो जवान हैं वो भी वाहनों को निकालते हुए ताकि जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल सके। और प्रदर्शन खत्म हो चुका है, पूरा मामला आपको एक बार फिर बता दें, सिला पंचायत में रियासी बारादरी की मुख्य सड़क पर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो राशन कार्ड धारक है, वो सड़क पर बैठ गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और उनका ये कहना था कि उन्हें समय पर जो यहाँ पे राशन डिपो है वहां से राशन नहीं दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग जो है प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं। गुस्साए लोग सड़क पर बैठ गए, हमने तस्वीरों में आपको दिखाया कि तमाम जो महिलाएं थी जो बच्चे थे वो सड़क पर बैठे हुए थे और प्रदर्शन वो तमाम लोग जो है वो कर रहे थे। जो यहाँ के सरपंच हैं जिला पंचायत के, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि परेशान किया जाता है जनता को, राशन समय पर नहीं दिया जाता है और इसके साथ ही अलग अलग बहाने लगाए जाते हैं। लेकिन अब पुलिस के लोग यहाँ पहुँचे, SHO जो हैं वो मौके पर पहुँचे, उन्होंने उच्च अधिकारियों से बातचीत की है, आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन वापस लिया है, जाम को खोल दिया है, सड़क को खोल दिया है, आश्वासन ये दिया गया कि TSO साहब भी मौके पर आ गए, जी TSO जो है वो भी मौके पर है और आश्वासन ये दिया गया है कि आज जो है तमाम लोगों को राशन दे दिया जाएगा और उसका जो थंब एक्सप्रेशन लगाना होता है वो अगली बार लगाया जाएगा, यानी कि जब लोगों ने प्रदर्शन किया तो लोगों को राशन दे दिया गया, लेकिन इससे पहले नहीं सोचा गया, लोगों को परेशान किया गया लगातार। आप यहीं के रहने वाले जी, आप भी प्रदर्शन में शामिल थे? बिल्कुल प्रदर्शन में शामिल हैं हम। कब से ये मामला है, कब से राशन जो है लेट दिया जाता है या फिर इंतजार करवाएं? ये लेट तो हमेशा ही होता है, लेकिन ये मामला जो मुझे, अपना नाम भी बता दें, कहाँ आप हैं? मेरा नाम नंद किशोर शर्मा है, मैं सिला का नायब सरपंच रह चुका हूँ, पुराना एक्स नायब सरपंच हूँ, पूर्व नायब सरपंच है। ये समझना चाहेंगे इस राशन डिपो में, सामने है ना राशन डिपो, इस राशन डिपो में कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे राशन लेने आते हैं? ये जहाँ से जो हमारा सिला का एक वार्ड पनासा में पड़ता है, पनासा के लोग भी तमाम इधर से लेते हैं, गुनगोस के लोग लेते हैं, सिला के लोग लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं। और लेकिन जो मशीन है, मशीन की जहाँ खराब रहती है, तो खराब रहने के कारण लोगों को परेशानी आई है, उसकी वजह से जो सब लोगों का गुस्सा था तो डीलर पर, तो इनको जो राशन है किसी तरीके से मिलना चाहिए। जो नाला बीच में पड़ता है वहाँ पानी है, लेडीज़ लोगों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गिल्ले हो जाते हैं, आजकल मौसम भी ऐसा है, तो इसीलिए इनकी परेशानी। ऊपर से जो 25 तारीख हो गई, अगले जो 2-3 दिन मशीन ख़राब रही तो जो राशन पूरे का पूरा खराब बंद हो जाएगा, इनको नहीं मिलेगा। जो 10-10 किलो लेने के आते हैं लोग, तो आज 4-4 दिन हो गए, 5-5 दिन आती है, 5-5 दिन लगा देते हैं उन्होंने आते हुए यहाँ पे, 4-4 दिन हो गए और तोड़े आते हुए वहाँ इतनी दूर से पैदल। एक तो ये कहा जाता है कि कोविड में ज्यादा इकट्ठा ना हो, घर से बाहर ना आए, और दूसरी तरफ ये कितनी 10-10 किलोमीटर दूर से आती है बेचारी, वो अंजी नाला इतना बड़ा है बेचारे, अगर किराया दे के भी आएंगे ना उनको 50-50 रुपए किराया लगता है पर डे का, और 80 या 100 रुपए का राशन नहीं आता, 150-150 रुपया बेचारे किराया बन जाता है 3-4 दिन का बेचारा किया जा रहा था, यानी पब्लिक परेशान थी यहाँ की। जो भी राशन यार हमारा घर है सामने, देखो हम इधर रहते हैं, वो दुकानें हैं हमारी, हम इधर रहते हैं 24 घंटे देखते रहते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी बेचारे। अब दूध पीने वाले बच्चे औरतें घर में छोड़ के आती है। कौन कौन मौके पर कौन कौन पहुंचा था? TSO रियासी भी मौके पर आए थे यार, अभी सभी ये जब इकट्ठे हो गए ना सभी उसी के बाद ही आए, जब रोड बंद, जनता सड़क बंद करती है उसके बाद प्रशासन जाता है, उसी के बाद सर एक दे राशन भी ऐसे कट देते हर बंदे पर, बंदे ना 1.5 किलो राशन खाते हैं और 25-26 तरीक के बाद इन्हें राशन देना होता, अगर 2-4 दिन इन्हें अगर बंदा राशन नहीं देंगे, अगर वो बजे ने अगर बंदा नहीं भी ऐसा होता बाद 2-4 दिन जिंजा नहीं देंगे, वह बाद अगर बंदा नहीं ऐसा वह बाद के करते राशन बंद करी ओड़ते, हूँ जिंजा पहली 2 तरीक आई बाद इन्हें राशन बंद करना, अगर आखे इन्हें पिछला राशन दो बिल्कुल पिछला राशन तो देता नहीं है, साढ़ा पिछले महीने राशन भी नहीं दिता है इन्हें, तो हूँ अगर पुछगो इन्हें देना गई नहीं असं देंगे गई नहीं, वो कुधर जाता साढ़ा राशन। जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट हा ये ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੇਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋਗਣਾ ਇੰਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੋਤਰਾ ਰੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਬ ਜੋ ਬੰਦੇ ਆਤੇ ਹੈ ਦੂਰ ਸੇ, ਕਈਓਂ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਈਓਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ठीक है ना, जब वो छोटा सा बच्चा बैठाया होता है बेचारा, वो भी क्या करेगा, खुद तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं बेचारे। जब वो एक बंदा अंगूठा लगाने के चक्कर, डीलर की आप बात गलती है, आधा देखो आधा घंटा या एक घंटा अगर अंगूठा लगाने के चक्कर में हो जाएगा, वो बेचारी पूरी पब्लिक तो सुबह से शाम तक खजल हो जाएगी ना। ये पता नहीं कौन सा क्या सिस्टम बनाया, पूरी दुनिया दर बदर कर दी। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि कोरोना में घर पे रहिए, दूसरी तरफ यहाँ पे भीड़ लगाई जा रही है। तो आपको बता दें दीपक जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं और एनसी के नेता हैं। आप भी क्या शामिल थे प्रोटेस्ट में या फिर राहगीर थे और यहाँ पे फंस गए? नहीं, हमें जैसे ही पता चला कि ये ऐसा मसला पंचायत में पेश आ रहा है, तो ये मसला आज ही नहीं आया इस मसले के लिए। हम तीन चार दिन से हमें यही रोज कंप्लेंट सुनने को आ रही थी कि राशन जो है वो टाइमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है, तो कारण उसका यही बताया जा रहा था कि ये जो पीओएस मशीन है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। तो हमने क्या किया, इस मसले को टीएसओ साहब से भी टेकअप किया था मैंने चार दिन पहले, तो टीएसओ साहब से भी मुझे यही रिप्लाई आया था कि ये दिक्कत आपकी नहीं है, ये दिक्कत पूरे स्टेट में आ रही है। तो पीओएस मशीन जो है वो हम नहीं ऑपरेट करते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एक मॉनिटरिंग कमेटी है वो ऑपरेट करती है। तो उसको देखते हुए उन्होंने मुझे एक लेटर भी फॉरवर्ड किया था जिसपे उन्होंने अपने स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट ने मसला जो था वो उस कमेटी के साथ टेकअप किया था। लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि जो राशन पहले तारीख को डिस्ट्रीब्यूट होना था वो आज 25 तारीख को जाके हल्ला करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये राशन जो था वो जनवरी महीने का था या फिर फरवरी का है, ये भी गवर्नमेंट को बता देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उसकी फेलियर सामने आ रही है कि इस तरीके से अगर लोगों को खाने के लिए भी मोहताज कर दिया जाएगा, रोड पर लाया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमारी जो इस पब्लिक जनता को हरास कर रही है और उनको मजबूर कर रही है कि आप हमारे खिलाफ प्रदर्शन करिए, तभी हम आपको कोविड के टाइम पे अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो ऑफिस में सस्पेंड की जा सकती है, तो ये राशन देने के लिए घर घर आप बीमारी क्यों फैला रहे हैं? अगर इनमें से एक भी इन्फेक्टेड हुआ तो वो बीमारी कहाँ तक कैरी करके लेके जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो मैं अपील करूँगा हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, एलजी साहब से भी, कि टेम्परेरली इसको सस्पेंड कर दिया जाए जब तक हमारे यहाँ पे एक तो नेटवर्क की सुविधा जो है वो अच्छी नहीं हो जाती, दूसरा ये जो कोविड का टाइम है ये नहीं निकल जाता, टेम्परेरली इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। थंब एक्सप्रेशन जब लगाएंगे तो ट्रांसमिशन कोविड का जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि सभी जो लोग हैं एक ही मशीन पर थंब लगाएंगे, तो ऐसे में चिंता ज़्यादा हो सकती है कोविड के मद्देनज़र। और कौन कौन यहाँ पर पहुँचा था और क्या आश्वासन स्पष्ट तौर पर दिया गया है? आपको बता दें बीडीसी चेयरपर्सन रियासी हमारे साथ हैं, ये भी प्रदर्शन में शामिल थी और जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। कौन कौन पहुँचा था और क्या आश्वासन दिया गया? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूँगी अंशित जी, जैसे ही हमें यहाँ से कॉल आई कि जहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए हैं और रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, तो हम ये बात मैंने आज से 5 दिन पहले एडी साहब से भी की थी और टीएसओ साहब से भी की थी कि जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम से मशीन नहीं चल रही है और लोगों को काफ़ी सारी परेशानी आ रही है, तो एडी साहब ने बोला कि इस मसले को हम सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन आज तक कोई मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और पहले भी प्रदर्शन होते रहे, हमने देखा लोग यहाँ पे इकट्ठे होते रहे, हालांकि लंबा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ लेकिन होते रहे, नाराजगी जताते रहे, लेकिन प्रशासन ने कोई भी हल नहीं निकाला। बिल्कुल, पहले भी होते थे लेकिन आज दोबारा लोग तंग आकर, क्योंकि आपको पता है ऊपर से कोविड का प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है और लोग दूर दूर से पनासा से लेडीज़ आ रही हैं, अगर आप उनको देखोगे तो जो अंजी क्रॉस करके आई हैं उनके कपड़े गीले हैं। ये दर्द सरकार या प्रशासन में बैठे लोग नहीं समझ सकते? बिल्कुल किसी ने नहीं समझा है जी, मैंने भी 2-3 बार बात की है प्रशासन से, किसी ने हमारी बात पर गौर नहीं किया, लेकिन आज लोगों ने तंग आकर रोड ब्लॉक किया और जहां पे एसएचओ साहब भी आए और टीएसओ साहब रियासी आए, फिर उसके बाद हमारी खुद बात एडी साहब से हुई, एडी साहब ने बोला कि आप इनको राशन दे दो, तो इनको बोलना कि आप बाद में थंब लगा लेना। ये पहले भी हो सकता था? ये पहले हो सकता था लेकिन पता नहीं क्यों अनदेखी की गई ये बात,
लेकिन आज जब लोगों को इकट्ठा होना और लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा तो तब जाके ये फैसला लिया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इतने लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जहाँ कहाँ देखा गया कि जहाँ कोविड का प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, साथ में बोलते हैं कि आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, लेकिन जो सुबह 9 बजे आके जहाँ लेडीज बैठती हैं और शाम को 4 बजे वो घर जाती हैं, तो ऊपर से उनको राशन बिना राशन के घर जाती है, उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के जो आती हैं उन्होंने भी अपने घर जाके कुछ जवाब देना होता है कि हमें राशन क्यों नहीं मिला। ये रोज का ड्रामा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो इन्होंने बोला कि आज हम आपको राशन दे रहे हैं, लेकिन ये पहले भी दे सकते थे, लेकिन पहले इन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया। तो साथ में एक मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ये जो राशन जहाँ सीला पंचायत में आता है ये 20 के बाद ही जहाँ से राशन लाते हैं, लेकिन बाकी और मेरे अंडर 14 पंचायतें हैं, मैं हर पंचायत में फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो 9, 10, 5 के बाद वो राशन ले जाते हैं अपने डिपो पे, लेकिन कम दिन मिलेंगे तो रश ज्यादा होगा। हाँ। एकदम रश बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जैसे 20 को राशन लाते हैं फिर बोलते हैं जहाँ मशीन नहीं चल रही है। हाँ। फिर बोलते हैं कि छुट्टी आ गई बीच में, कभी बारिश का मौसम आ जाता है, फिर 30 के बाद किसी को भी राशन नहीं देते। 4-5 दिन अगर किसी को राशन देना हो, जब 4-5 दिन अगर राशन देना हो तो भीड़ तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। जिसको 15 या 20 या 25 दिन दिए है राशन देने के लिए, वो 5 दिन के लिए अगर अपना डिपो खोलेगा तो कितना रश बढ़ेगा। तो स्टोर कीपर जो है उन पर उनके खिलाफ भी शिकायतें हैं लोगों की कि वो भी समर्थ नहीं है इस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए, क्या इनकी तरफ से भी प्रॉब्लम है या मशीन ही खराब रहती है? देखिए जे जब हम आते हैं हमारे साथ तो अच्छी बात करते हैं, बिल्कुल बात भी बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, और हम जब आते हैं मशीन हैंडल नहीं कर पाते। हाँ, ये है कि मशीन नहीं चल रही है इनकी, बोलते हैं कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है तभी नहीं चल रही है, बट लोगों का कहना है, आज जब मैं लेडीज की आवाज़ सुनी वो कहते हैं कि हमें जो राशन मिलता है वो भी कम मिल रहा है, और ऊपर से बोलते हैं कि हमारे साथ जो बे आप टाक है वो भी इनका अच्छा नहीं है। लेकिन हमने एडी साहब से बात की, हम जा रहे हैं अभी उनसे बात करते हैं, साथ में बोल रहे हैं कि जहाँ कोई इन्होंने छोटा बच्चा बिठाया होता है जो जहाँ पे थम लेडीज जो भी आते हैं राशन लेने उनका थम वगैरह करवाते हैं वो, लेकिन ये सब बातें हम जहाँ तो डीसी साहब के आगे रखते हैं, जहाँ एडी साहब से डिस्कस करके इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे हम। जी जी जी, चलिए, फिलहाल राशन दिया जा रहा है, जो भी तमाम लोग थे एडी सर ने आश्वासन दिया उसके बाद राशन मिल रहा है। बिल्कुल, एडी साहब ने आश्वासन दिया तो राशन अभी मिल रहा है सब लोगों को, और टीएसओ साहब भी मौके पर पहुंचे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि मैं जब तक सब लोगों को राशन नहीं मिलेगा मैं इधर ही खड़ा हूं, मैं सब लोगों को राशन देके ही जाऊंगा। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, फिलहाल जो है राशन मिलना शुरू हो गया है और प्रदर्शन करना पड़ा राशन के लिए भी, बुनियादी भूख के बिना कोई जीवित कैसे रह सकता है, सरकारी राशन जो है वो नहीं मिलता है, परेशानियां आती हैं, घंटों तक लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है, उसके बाद ये मालूम चलता है कि आपको राशन नहीं मिलेगा क्योंकि जो मशीन है वो सही से काम नहीं कर रही है। आज लोगों ने दुखी होकर, परेशान होकर, जब उनका गुस्सा सहन नहीं उनसे हुआ तो वो सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन उन्होंने किया। प्रदर्शन करने के बाद जो टीएसओ रियासी हैं, एसएचओ रियासी हैं, वो मौके पर पहुंचे, उसके बाद आश्वासन दिया गया कि आपको बिना थम लगाए ही राशन दिया जाएगा। स्थानीय सरपंच एक बार फिर से इनसे बातचीत करेंगे, राशन अब मिल रहा है स्मूथली बिना थम एक्सप्रेशन? नहीं, अभी बोल रहे हैं मशीन चल पड़ी है, अब तो हमने इनको बोला कि मशीन आज अगर मशीन दोबारा बंद होती है तो लोगों को बाई हैंड राशन दो, अगर ये नहीं देते हैं तो हम दोबारा आ जाएंगे इधर, दोबारा बैठ जाएंगे, क्योंकि मशीन चलना शुरू हो गई, अभी चल रही है, लेकिन मैंने बोल रहे लाइट की प्रॉब्लम है, मैंने फोन किया जय साहब को, बोलते पीछे ग्रिड की कोई प्रॉब्लम है, अगर उधर से नहीं आती है लाइट के बिना तो मशीन चलेगी, अभी इसने चार्ज कर चुके लाई है, आधा घंटा जाए घंटा मशीन चलेगी, जब उसके बाद बंद हो गई तो टीएसओ को सर को मैंने बोला अगर नहीं जे दोबारा लोगों को इन्होंने नहीं दिया तो हम दोबारा चक्का जाम। इतने लोगों को राशन देने में कितना वक्त लग जाएगा? अभी इनका देखो 4-5 दिन से 10 दिन से लोग पहले ही खड़े हैं, लोग घर से आते हैं शाम को ऐसे खाली जाते हैं, तो अगर ये नहीं मिलता है तो हम देखते हैं इसको, अगर नहीं मिलता है तो हम दोबारा बैठ जाएंगे, हमने कौन सा दूर है, सिर्फ नेशनल हमारे पास है, हम लोग ऐसे नहीं सुनती आपकी आवाज, आपने भी कहा और बाकी नुमाइंदों ने भी कहा कि पहले डीडीसी मैडम जो हमारी सीला पंचायत रियासी ब्लॉक की है, मैं सरपंच हूँ, मेरे पंचों ने आम लोग भी जो हैं, हाँ। इन्होंने एडी सर को भी फोन किया, टीएसओ सर, अगर ये इन्होंने पहले मसला हल किया होता तो हमने क्यों रास्ता बंद करना है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ थोड़ी रास्ता बंद करके, हमें कोई हमें शौक है, लोगों को राशन मिलना चाहिए, हमें इन लोगों ने बनाया है, लोगों ने जिताकर हमें भेजा है, तो हम लोगों की हम तो उनकी आवाज़ उठाएंगे, चाहे गवर्नमेंट के पास अगर नेट का वो डाटा इनके पास नेट अगर नहीं चलता है तो इन्होंने क्यों भेजे बायोमेट्रिक शुरू किया है,
तो जो बंद करें लोगों को भाई हैंड राशन दे, अगर दोबारा ये प्रॉब्लम आई तो हम दोबारा आज ही बंद कर देंगे। टेस्ट के बिना नहीं सुनती प्रशासन, अगर नहीं सुनेगी तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हम करें, अगर जी नहीं मानेंगे तो हम दोबारा करेंगे, फिर वो क्या करेंगे? हमारा कहना है कि अगर बायोमेट्रिक जांच की मशीन नहीं चल रही है तो मैं डीलर साहब से मैंने बात की, टीएसओ साहब से भी की कि आप इनकी एक लिस्ट, इनके पास लिस्टें पड़ी हुई हैं तो आप इनको एक लिस्ट पे ही टिक करके मैन्युअली आप हाँ लिख कर इनके नाम नोट करो और इनको राशन देते जाओ। लेकिन वो डीलर साहब नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने एक बार पहले भी ऐसे ही राशन दिया था, वो राशन आज तक मुझे नहीं मिला है, ये इनका कहना है। तो टीएसओ साहब बोलते हैं मैं खुद दे के जाऊँगा राशन। चलिए आश्वासन मिला, आप देखते हैं। और एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप राशन लेने यहाँ पे पहुँचे? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आप आए और क्या नाम है? सीधे से आए हैं। कब आप सुबह पहुँचे थे या अभी आए? मैं 8-9 बजे आया था, अभी तक खड़ा हूँ इधर। क्या आखा हुए जेल तुस आए? क्या आखा हुए तुस जेल तुस इधर आए? मशीन खराब हुई, दो त्रै बंदे राशन देता उन्हें, बस उस बात खराब हुई। इंतजार करते रहे? रोड बंद किया उसलै उन्हें राशन देना शुरू कर दिता, हूँ क्योंकि मशीन चला दी है और 10 मिनट बाद भी खराब हो जाने। एलजी उपराज्यपाल की अपील कर गए कि परेशानी है इधर, क्या आख गए उन्हें कि जल्दी को ना जल्दी परेशानी मशीन ठीक करो और असें को इंदे को कोई जिद थोड़ी है भाई, ये मतलब की से जा क्यों राशन नहीं देंगे या क्या कर दें, अस बड़ी खुशी करने राशन देन असेंगी। प्रोटेस्ट का कोई शौक नहीं है? टेस्ट करने का शौक नहीं है, मजबूरी है। मजबूरी है इस गल वास्ते, अस और कदे कोई शौक थोड़ी है, असें इतने आना जाए करो। हाँ किन्ने बंदे न इतने जनानियां, ये पनासे दे लोग आंदे न, वो बेचारे अभी एले तक उन्दे कपड़े नहीं हाले सुके हैं, इन्ना ना पानी हाँ जी इतने आनी है, मैंने डिप्टी देना पड़ेगा। दर्द लोगों का प्रशासन नहीं समझाता उन्हें, नहीं उन्हें क्योंकि बीडीसी चेयरपर्सन सरपंच और लोगों भी आख्या कि असें पहले मुद्दा चुकिया, लेकिन वो इं चुकने करने उन्हें हल नहीं किया। प्रोटेस्ट में कख भी नहीं कहना, कोई फायदा नहीं होता नहीं किसे। जी जी जी, तुंदे कन्ने भी गल करके, तुस कोला आए हैं सवेरे, के नाम है तुंदा और कुद्दू? मेरा नाम बशीर मौंदा जी। अच्छा, मैं एलजी साहब, डीसी साहब, एडिशनल डीसी साहब ये रिक्वेस्ट करना भाई, ये जो बिहाव होवा इतने लोगों कने ये नहीं होना चाहिए, कदे नेट खराब, कदे बिजली नहीं, लोग गुण गो जेड़ी का कोई 20 किलोमीटर इतों वो है उधर उनका भी राशन कार्ड इधर। हाँ इतने राशन इतने पनासे 7-8 किलोमीटर पनासे उतना लोग आते, कोई अंजू चप्पी आता, कोई किराए दे आता, कोई किया आता, मगर इतने आ रही मशीन खराब, सवेरे बोंदे शामी जंदे उपराज्यपाल जी सुन लीजिए, ये परेशान जनता है, रियासी के साथ लगती पंचायत है, ये हेडक्वार्टर से ठीक पास सिला पंचायत है और तमाम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा राशन लेने के लिए। अब ये जानकारी मिली है कि जो मशीन है पॉइंट ऑफ सेल मशीन है वो काम कर रही है, लेकिन बिजली नहीं है और थोड़ी देर तो वो काम करेगी, अगर बिजली नहीं आई तो फिर शायद राशन मिलना बंद हो जाए, लेकिन आश्वासन ये दिया गया है कि मशीन के बिना भी राशन दिया जाएगा। अब देते हैं या नहीं देते हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन परेशान हैं लोग और लाइनों में लग कर अपना राशन जो है अब ले रहे हैं। समस्या आपको एक बार फिर बता दें, मुख्य परेशानी जो है वो ये है कि मशीन जो है वो सही से काम नहीं करती है, परेशानियां आ रही हैं मशीन में, जिसके कारण लोगों को घंटों यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी का राशन मिलने का, लेकिन उसके बाद भी कई बार लोगों को राशन नहीं मिलता है। ऐसा ही आज हुआ और जिसके बाद लोगों का गुस्सा जो है वो फूटा। 4 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, फिर उसके बाद बारिश शुरू हो गई, बारिश में नहीं लोग आ सके, अब आज कल से आ रहे हैं, कल थोड़ा बहुत नेट चला और लोगों को राशन दिया, मगर आज जो 5-3-4 राशन निकाले नेट बंद हो। अच्छे दिन की गल होती तो लोग प्रोटेस्ट थोड़े करते, अगर अच्छी गल हो तो कोई लोग नारे थोड़े लाते गवर्नमेंट के खिलाफ। मैं गवर्नमेंट आखदी कि अच्छे दिन आने लोगों के, वो नहीं आने, वो बुरे गै आवा दे, वो चंगे नहीं आने, चंगे की नहीं आने, भैं जो नैट सिस्टम चली पिया, फलानी गल हुई, टिंगी गल हुई, तो नैट नहीं चलते, वो लोग मरा दे फाके बेही बेही, 5 किलो राशन खोलना भी तुम साया भाई 30 किलोमीटर लोगों आना, कोई पनासा 6-7-8 किलोमीटर पनासा है उतों आना, किराया खर्ची आना, बड़ी परेशानी परेशानी। उम्मीद यही करते हैं कि इन इस परेशान जनता की बात को प्रशासन सुनेगा और इस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। जानकारी ये भी मिलती है
कि सिर्फ समस्या यहाँ नहीं है, हालांकि यहाँ ज़्यादा समस्या है, लेकिन और भी कुछ इलाकों में इस तरह की समस्याएं पेश आती हैं। तो अब इस समस्या का हल कौन निकालेगा, कौन ये देखेगा कि ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन सही से कैसे काम करे, जिम्मेवारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है, और उसे क्यों नहीं निभाया जा रहा, और अगर नहीं निभाया जा रहा तो ऐसे लोगों को तय कर कर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, प्रशासन के लोगों पर कार्रवाई कब होगी, उनकी सैलरी कब काटी जाएगी, उन्हें महीने के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो तय है कि उतना मिलेगा, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे हैं आखिर उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, उनकी सैलरी उनका वेतन क्यों नहीं काटा जाता, क्यों ऐसे नियम ऐसे कानून बनाए जाते जिससे कि ये कर्मचारी अधिकारी अपनी जिम्मेवारी को समझे और उसका सही से निर्वाह करें। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।